आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार घरों तक पेयजल पहुंचाने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए की योजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार मिलावट के बाद अब नशे के खिलाफ शुरू करेगी अभियान। बिजली मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मीटर रीडर्स को नियमित करने की मांग पर विचार का भरोसा दिलाया। और ग्वालियर के दिव्यांग तैराक अमेरिका का कैटलीना चैनल पार करने वाले पहले एशियाई तैराक बने। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत जल उपलब्धता की दृष्टि से सुरक्षित राष्ट्र बन सकता है। श्री शेखावत कल मुंबई में भारतीय जल क्षेत्र की चुनौतियां, अतीत, वर्तमान और बेहतर भविष्य की आकांक्षाएं विषय पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकार सभी घरों तक नल से पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने पर काम कर रही है। इसके लिए केंद्र और राज्य 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उन्होंने बताया कि नदियों को जोड़ने की परियोजना में अच्छी प्रगति हुई है। श्री शेखावत ने कहा कि इस परियोजना से देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे का प्रतिकूल प्रभाव कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने 2021 के कुंभ मेले तक गंगा नदी का पानी स्रोत देवप्रयाग से हरिद्वार ऋषिकेश खंड तक स्वच्छ कर लिए जाने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार प्रदेश में मिलावट के विरुद्ध अभियान के बाद अब नशे के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव